रंजीत सिंह जसवाल सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे से कॉन्सेप्ट ऑफ करियर में। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही हमारे साथ लॉ डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर कोमल औदित्य जी हैं। और मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे से कॉन्सेप्ट ऑफ करियर में। थैंक यू सो मच। सर बहुत नाम सुना है आपकी यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे आके पढ़ाई करना बच्चों का सपना होता है। सर मैं जानना चाहता हूँ कि SRM यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई? SRM ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है इसकी 50 ईयर्स की लेगेसी है। इट स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई और अब इसके ग्रुप की 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अराउंड 80,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। और बेसिकली इट वॉज नोन फॉर इंजीनियरिंग टू बिगिन विद, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज़ स्प्रेड इट विंग्स इन अदर फील्ड्स ऑल्सो। And this university, SRM Sonipat, is one of the universities of the group which started functioning in 2013. Sir, मैं जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ कौन-कौन से department हैं, कौन-कौन से courses आप offer करते हैं? SRM University Sonipat में हमारे 6 faculties हैं। Faculty of Engineering है, Faculty of Commerce and Management है, Faculty of Basic Sciences and Humanities है, होटल मैनेजमेंट है और फैकल्टी ऑफ लॉ भी है। ओके, डॉक्टर कोमल आप लॉ डिपार्टमेंट को हेड करते हैं एंड मैं जानना चाहूँगा कि लॉ डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं आप? हमारे पास अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, LLB 3 ईयर ऑनर्स, देन वी हैव मास्टर्स ऑल्सो LLM दैट इज़ फॉर 1 ईयर ओनली, एंड वी हैव डॉक्टोरल प्रोग्राम। ओके मैम, एक बहुत बड़ा डाउट होता है बच्चों के अंदर एंड कन्फ्यूज होते हैं बच्चे इन जनरल कि प्लस टू के बाद कि BA LLB और BBA LLB दो कोर्सेज हैं, इनमें से कौन सा चूज करें, दोनों में क्या अपने फंक्शंस हैं? देखिए क्या होता है कि हमारे जो है जूनियर जो हमारे सेमेस्टर्स लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जो रहते हैं उसमें हमारे यहाँ ये डिमार्केशन रहती है कि आपने जो है क्योंकि इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ना, तो BA BBA इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है। तो BA में जो है हमारे बेसिकली सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स रहते हैं और उसमें हमारे जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंस के रहते हैं। यानी कि जो BA LLB है उसमें आप सोशल सब्जेक्ट के साथ साथ आप लॉ की पढ़ाई कराते हैं। हाँ जी। एंड जो BBA LLB है हाँ, तो उसमें आप बिजनेस के सब्जेक्ट के साथ लॉ पढ़ाते हैं। बिल्कुल, 6 सेमेस्टर तक हमारा जो है वो मिक्स चलता है। लाइक इन फर्स्ट ईयर वी जस्ट इंट्रोड्यूस 2 कोर्सेज ऑफ लॉ है ना, स्लोली 3, स्लोली 4 है ना, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव सोशल साइंसेज ऑल्सो। ओके, बट व्हेन इट कम्स टू 7 सेमेस्टर ऑनवर्ड्स देन एक्सक्लूसिवली द लॉ कोर्सेज आते हैं। ओके, एंड मैम इसका ड्यूरेशन क्या है कोर्स का? 5 ईयर्स हमारा रहता है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, और LLB 3 ईयर एज सच द कोर्स ऑल्सो प्रोग्राम ऑल्सो मेंशंस, सो इट्स 3 ईयर प्रोग्राम। LLM हमारा 1 ईयर का है। सो जो बच्चे LLB जो लोग कर चुके हैं वो LLM के लिए आपके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर प्रोग्राम के लिए। चलिए बहुत अच्छा है। सर भी लाखों बच्चे आपको TV में देख रहे हैं, सो अभी उनके सबके मन में एक सवाल होगा कि यदि उन्हें भी SRM आके पढ़ाई करनी है तो कैसे अप्लाई करें, एडमिशन प्रोसेस क्या है सर आपका? हमारे जितने भी कोर्सेज हैं मेजॉरिटी ऑफ देम जो उनकी एडमिशन है वो प्लस टू के बाद होती है। एंड अवर SRM ग्रुप बिलीव्स इन क्वालिटी एजुकेशन, तो हम उसको मेंटेन करने के लिए अपना एक ग्रुप जो है वो टेस्ट करता है, SRM हरियाणा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट उसे हमें कहते हैं, जिसके लिए कोई भी जो इच्छुक है वो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है और इस टेस्ट की जो मेरिट होती है उसके बेस पे हम एडमिशन करते हैं। और मैं यहाँ अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं हमारे बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं ऑन द विच आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट। सो जो बच्चे मेरिट वाले हैं और जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो अगर वो अप्लाई करते हैं SRM के लिए तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी ऑफर होती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यदि किसी बच्चे को लॉ डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है वहाँ पे BA LLB या BBA LLB के लिए ज्वाइन करना है, सो लॉ में क्या प्रोसेस है एडमिशन्स का? सर वही 12th के बाद हमारा रहता है जो कि 3 ईयर लॉ जो है वो आफ्टर ग्रेजुएशन है, और SRMH कैट जो हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, पर BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स के लिए वी कंसिडर द स्कोर ऑफ क्लैट ऑल्सो, LSAT ऑल्सो, ILET ऑल्सो। सो जिन बच्चों ने क्लैट का एग्जाम दिया है वो लोग भी एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। सो स्टूडेंट यदि आपको भी SRM यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है पढ़ाई के लिए सो स्क्रीन में दिख रही वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं और स्क्रीन में ही दिख रहे टोल फ्री नंबर में आप कॉल भी कर सकते हैं। सर बहुत नाम है आपकी यूनिवर्सिटी का और हर कोई यहाँ पे आके अपना करियर
बनाना चाहता है। सर मैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ये बात जानना चाहते होंगे, सर वो कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपकी यूनिवर्सिटी को अदर यूनिवर्सिटी से एकदम अलग बनाती हैं? हमारे जो SRM ग्रुप है, इट हैज़ लीगेसी इन द एजुकेशन सेक्टर फॉर 50 ईयर्स। हम 50 साल से जितने भी कोर्सेज करा रहे हैं, और हमारा जो मोटो है लर्न लीप एंड लीड, वो इसको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ खास जो हमारी क्वालिटीज़ हैं इस ग्रुप की एजुकेशन सेक्टर में, हमारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है टीचिंग में, और इंडस्ट्रियल टाई अप है। जैसे हमारे SRM हरियाणा यूनिवर्सिटी में हमारे बॉश के साथ है, सीमन ग्रुप के साथ है, C4D का हमारा सेंटर है। सो रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन विद द फोकस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इन एडिशन टू दिस, क्योंकि हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, जैसे हमारे SRM हरियाणा में हमारे 6 फैकल्टीज हैं, तो हमारा आपस में इंटरेक्शन रहता है उनका। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में जैसे इंजीनियरिंग वाले हैं, उनको मार्केटिंग का देना है तो मैनेजमेंट के इनपुट रहती है, उनको कोई लीगल एस्पेक्ट है तो उनको लॉ डिपार्टमेंट की उनको इनपुट रहती है, तो इस तरीके से इंटरेक्टिव रहता है। अबव ऑल, वन मोर फैक्टर विच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, दैट वी डू नॉट कंप्रोमाइज एज फार एज अवर फैकल्टी इज कंसर्न। वी एम्प्लॉय द बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, वी हैव मिक्स ऑफ बोथ क्वालिफाइड सीनियर फैकल्टी एज वेल एज यंग एंड डायनेमिक फैकल्टी विच टेक्स केयर ऑफ द एंटायर स्टूडेंट पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा मैम। यदि हम इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि पढ़ाई होती है, किसी इंडस्ट्री में भेज दिए, किसी कंपनी में भेजा, वहाँ पर ट्रेनिंग हो जाती है बच्चे की एंड उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल जाता है। सेम यदि हम लॉ डिपार्टमेंट की बात करें तो जो बच्चे लॉ के कोर्सेज कर रहे हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसे देते हैं आप लोग? देखिए, हमारी शुरू से एक अप्रोच रहती है कि ये जो थियोरी और प्रैक्टिकल का जो गैप है वो बहुत कम रहे। उसके लिए हमारे पास बार काउंसिल प्रिस्क्राइब्ड क्लिनिकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। हमारे 4 क्लिनिकल कोर्सेज होते हैं जिसमें ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग रहता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रहता है, मूटिंग रहता है उसमें, और उसके साथ साथ जो है प्रोफेशनल एथिक्स रहता है। देखिए, बार काउंसिल ने तो उस रूल्स बना दिए, बट टू इम्प्लीमेंट देम प्रॉपरली वी रियली टेक केयर ऑफ दैट। अगर मूटिंग है, हमारे पास बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि मूट कोर्ट हॉल है, उसमें प्रॉपर सब कुछ है। यानी मूट कोर्ट में प्रॉपर आपने कोर्ट रूम का एक लुक दिया है। हाँ जी, बिल्कुल, विटनेस बॉक्सेस एंड डाइस, एवरीथिंग। जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसे एक प्रॉपर फील आएगा कि वो कोर्ट में खड़ा है। और फिर क्या होता है कि जब वो कल को लिटिगेशन में जाता है, उसको कभी लगता ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम जज किया, नो, ही इज ऑलरेडी सो कॉन्फिडेंट। और मूटिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको यू बिकम वेल वर्स्ड इन रिसर्च एज वेल एज ओरेटरी स्किल्स, क्योंकि बच्चा जब आके हमारे को, हम उसको प्रॉब्लम असाइन करते हैं और वो दोनों तरफ से मेमोरियल्स बनाता है, प्लेंटिफ की तरफ से भी और डिफेंडेंट की तरफ से, और फिर एक तरफ से आके वहां पे वो उस मुद्दे पर बहस करता है। यानी कि ओवरऑल फुल लुक एंड फील होता है। हाँ जी, प्रॉपर केस चल रहा है, बिल्कुल, बच्चे अपनी बात रख रहे हैं वहाँ। हाँ जी, हमारे बिल्कुल उस टाइम 3 जजेस बैठते हैं, प्रॉपर ग्रिलिंग होती है स्टूडेंट्स की, यू नो, ही गेन्स कॉन्फिडेंस। आप चाहे हिंदी मीडियम से आए हैं, है ना, तब भी आपकी लैंग्वेज आप पिकअप कर लेते हो, क्योंकि यू नो स्लोली यू शेड ऑफ द इनहिबिशंस। आप अपनी क्लासमेट्स के साथ ही तो बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो उस चीज को हम लोग धीरे धीरे ओवरकम बच्चा कर लेता है। और ये कम्युनिकेशन स्किल्स इस प्रोफेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। और उसके साथ साथ हम ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्विंसिंग में भी हमारी प्रॉपर हम एक्सरसाइजेस कराते हैं। हमारी ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग की लैब हमने सेपरेट बना रखी है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर टू गेट एम्प्लॉयबिलिटी। यदि आपको कोर्ट में जाना है तो बिना ड्राफ्टिंग के तो नहीं चलेगा। हाँ जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका लॉ डिपार्टमेंट है वो अदर यूनिवर्सिटी कॉलेज से कैसे अलग है? सो वी वॉन्ट टू ट्रेन आर स्टूडेंट्स दैट सो दैट दे हैव एन एज ओवर देयर काउंटर पार्ट्स इन अदर इंस्टीट्यूट्स and reach the zenith of their career. For that, we have highly qualified faculty. In fact, we are very fortunate that our Honorable Vice Chancellor, sir, he was former Vice Chancellor of National Rajiv Gandhi National Law University, Patiala. He was also former Vice Chancellor of Hidayatullah National Law University. He was also former
चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सो ओवरऑल आपके पास जो मेंटर हैं उन्होंने हमारे देश की जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें पहले रन कराया। हाँ जी, तो गाइडेंस ही इतनी बढ़िया मिल रही है, तो वी आर ब्लेस्ड दैट वे। उसके साथ साथ ही हमारा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी हमारे पास वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है विद ऑल दैट ई लर्निंग, ऑनलाइन जर्नल, मूट कोर्ट हॉल हमारा जो है उसमें सिर्फ बहुत ही खूबसूरत हमारा वो मूट कोर्ट हॉल बना हुआ है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप कोर्ट रूम में ही एंटर कर गए हैं, है ना। प्रॉपर डाइस, विटनेस बॉक्सेस एंड एवरीथिंग इज देयर एंड इट इज़ द वाइब्रेटिंग वन, है ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, हम जो यहाँ पे मूटिंग कराते हैं वो और बहुत कम इंस्टीट्यूट्स में इस तरह से होता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाए, वो अपने आप रिसर्च वर्क करे, प्रॉपर केस स्टडी एंड प्रॉपर केसेस को जो एडवोकेट्स हैं आपके, हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर लड़ाई कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं हिंदी में बोले तो। हाँ जी, जजेस बैठते हैं, है ना, और उनको वो ग्रिलिंग पूरी होती है, उससे बच्चे का रिसर्च और ओरेटरी स्किल्स दोनों बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आपको मालूम है इस प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है ना। इसके साथ साथ ही हमारा जो लीगल एड क्लिनिक हमने अलग से बना रखा है, जिसमें कि हमने सोनीपत के ही जो हैं 17 विलेजेस को अडॉप्ट कर रखा है, क्योंकि हम चाहते हैं बच्चा एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लर्न करे, और उसके लिए जो कोई भी इन विलेजेस से या अदरवाइज ऑल्सो फ्रॉम द विसिनिटी एनीबडी वांट्स लीगल एड, तो हम उनको फ्री लीगल एड देते हैं। क्योंकि क्या होता है, गांव में लोगों को पेंशन योजना, प्रधानमंत्री योजना, इन सब चीजों का नहीं मालूम होता, बहुत सारे वहां इन जनरल लोगों को लॉस के बारे में पता नहीं होता है। बिल्कुल, रेगुलरली हम लोग वहां जनरल लोगों को लॉस के बारे में पता नहीं होता है ना, आप अधिकार आपके हैं पर आपको मालूम ही नहीं कि कौन से अधिकार है। हमारी ड्राफ्टिंग लैब बहुत ही अच्छी, बिल्कुल उसमें भी हम बच्चों को रेगुलरली एक्सरसाइजेस कराते हैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्री से आप कह सकते हैं कि कोर्ट से जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स आते हैं जो कि उन बच्चों को ये सब एक्सरसाइजेस करवाते हैं ना, तो वेदर इट इज़ ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, क्योंकि आप अगर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो कंप्लेंट, प्लेंट, रिट, इन सब चीज़ों को किस तरह से ड्राफ्ट करना, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमने प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को हमने एंगेज कर रखा है, वही आते हैं और वही इनको सिखाते हैं। यही मतलब ये बहुत हेल्पफुल है बच्चों के लिए जो इन जनरल, हाँ, हर जगह नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक और सवाल है मेरा आपसे कि लॉ, जब बच्चा लॉ की पढ़ाई करता है तो इसका स्कोप क्या है आगे? देखिए, लॉ जो 5 ईयर लॉ कोर्स है इसने एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत बढ़ा दिया है ना। पहले क्या होता था कि बच्चा लॉ करने के बाद, देखिए लिटिगेशन तो उसके पास रहता ही है एक ऑप्शन ना, इसके साथ साथ एक जुडिशरी का रहता था, यूपीएससी का है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, बट नाउ ही हैज़ इन अदर एरियाज ऑल्सो वेरियस अपॉर्चुनिटीज, है ना। कॉरपोरेट लॉ फर्म वो ज्वाइन कर सकता है, वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में लॉ ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में, डिपार्टमेंट्स में, इवन इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। इसके साथ साथ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इन हाउस काउंसिल की ज़रूरत है ना, उसके साथ साथ लॉ ऑफिसर्स की ज़रूरत है। आपका आर्मी में जो है एक जैग रहता है जिसमें कि लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होती है, आपके जर्नलिज्म में है, बिल्कुल बिल्कुल आप जानते हैं उसको। हम लोगों को भी जरूरत होती है क्योंकि बहुत सारे सोर्स होते हैं जिसमें लीगल बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें हम लोग मतलब अटक जाते हैं कि भाई अब इसे कैसे सॉल्व होना है, ये बोलें या ना बोलें, हाँ, तो फिर लीगल एडवाइस की जरूरत, हाँ, होती है, एलपीओस है, तो इस तरह से क्या दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ ही आप देखिए आर्बिट्रेशन जो है आजकल बहुत ज्यादा जो है उसमें भी हम लोग बच्चे को पूरी, क्योंकि हमारा ये क्लिनिकल सब्जेक्ट है ना, तो क्योंकि कोर्ट में जो है ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हम कहते हैं, क्योंकि कोर्ट में आपका बहुत वक्त निकलता है, है ना, कोई केस को बढ़ने में आगे और उसका डिसीजन, ये एक जरिया है जिससे कि आपको अभी कोविड के दौरान जो है वर्चुअल कोर्ट्स हुई पर उसमें स्लो हो गया था थोड़ा प्रोसेस, सो ये आर्बिट्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, तो इसमें भी हम बच्चे को पूरी ट्रेनिंग देते हैं, उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, उन सब का उसी बेसिस पे रखते हैं। मैम अभी एक टर्म आपने यूज किया ऑनर्स कोर्सेज, मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि ऑनर्स कोर्सेज क्या है।
देखिए, हमको बार काउंसिल के रूल्स को मानना पड़ता है. वहाँ प्रिस्क्राइब है कि अगर आप ऑनर्स कोर्सेज दे रहे हैं तो उसमें आपको 8 कोर्सेज दे हैव गिवन डिफरेंट एरियाज, वी हैव टू चूज फ्रॉम देयर. और उसके साथ साथ हमें ऑप्शनल 6 कोर्सेज रखने पड़ते हैं. तो हम SRM यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कि ब्रांचेज जो हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं. मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बिल्कुल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हमने, जहाँ तक स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं 4 ब्रांचेज, सो स्टूडेंट हैज एम्पल चॉइस, है ना, वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ब्रांच, इंटरनेशनल लॉ, बिजनेस लॉ ब्रांच, क्रिमिनल लॉ ब्रांच. तो इन चारों में से वो किसी भी ब्रांच में ऑनर्स की वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है. जहाँ तक ऑप्शनल जो मैंने अभी आपको बताया 6 कोर्सेज हैं, उसमें भी हमने कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स, चाहे वो कंपटीशन लॉ है, साइबर लॉ है, एयर स्पेस लॉ है, लॉ ऑफ सी है, लॉ इन मेडिसिन है, इसके साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक हमने MOOCs ऑनलाइन कोर्सेज भी रखे हैं, NCC है. और आप जानते हैं कि हरियाणा में स्पोर्ट्स को बहुत इनकरेज किया जाता है, सो वी हैव स्पोर्ट्स लॉ आल्सो इन दैट. ओके, यानी कि जितनी भी फील्ड्स हैं, सो उन सारे फील्ड्स के लॉज हैं, बच्चा उनमें प्रॉपर ट्रेंड होके यहाँ से निकलेगा. किसी को मेडिसिन की फील्ड में जाना है तो उसके पास उसके लॉस हैं. मैं आपको एक और सरप्राइजिंग बात बताती हूँ कि हमारे पास ये प्रोफेशनल स्पेसिफिक जो ऑप्शनल है, इसके साथ साथ ही हमने ओपन जेनरिक कोर्सेज अभी इंट्रोड्यूस किए हैं. इसमें वो किसी दूसरे स्ट्रीम से, इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, कॉमर्स से, कोई भी ऑप्शनल चूज कर सकते सब्जेक्ट. हाँ जी, बहुत अच्छा है. यानी कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो BLLB का स्टूडेंट है. हाँ जी. और उसे वो चाहता है कि उसे कोई बिजनेस की भी स्टडीज चाहिए या बिजनेस लॉ के बारे में जानना है, तो वो एक दो सब्जेक्ट BBA से उठा के यहाँ पे ला सकता है, वो पढ़ाई कर सकता है उसका. बिल्कुल, बहुत अच्छा है सर. एक सवाल आपसे और है कि इन जनरल यदि हम देखें इंडिया के अंदर, तो SRM और IIT का जो लेवल है वो इक्वल है इंजीनियरिंग की फील्ड में, एंड अभी बहुत सारी फैकल्टीज आपने नई नई इंट्रोड्यूस की हैं. सो अभी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि वो कैसे श्योर हों कि जितनी क्वालिटी एजुकेशन इंजीनियरिंग में उतनी ही अदर कोर्सेज में होगी, लॉ में होगी और ह्यूमैनिटीज में होगी. देखिए, हमारा जो SRM ग्रुप है, इसकी एक खासियत है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं. और जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी में लॉ का कोर्स है, ये अभी से नहीं, 2014 से चालू है. इस ग्रुप में सबसे पहले लॉ यहाँ शुरू हुआ था, उसके बाद इसको चेन्नई में भी शुरू किया गया. जैसे कि मैडम ने बताया, हमारे लॉ के कोर्सेज में हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी बीच में ध्यान में रखा है. इसके कोर्सेज टाइम टू टाइम हमने रिवाइज़ किए हैं. ऑनर्स का कोर्स होने के कारण हमारे पास एक वाइड चॉइस मिल गई हमें, तो इसलिए स्टूडेंट चाहे किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एरिया है, चाहे वो बिजनेस लॉ का एरिया है या क्रिमिनल लॉ का एरिया है. और हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें हमने पूरा फोकस किया है कि ई डाटा रिसोर्सेज जो हैं, जैसे बहुत सारे लॉ कॉलेजेस में हीन ऑनलाइन और अदर जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो नहीं हैं, हमारी लाइब्रेरी में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. इट इज़ ए वेरी रिच कलेक्शन विच वी आर हैविंग इन अवर लाइब्रेरी. एंड अबव ऑल, मैडम ने पहले ही बताया, वी डू नॉट कंप्रोमाइज एज फार एज अवर फैकल्टीज कंसर्न. मैं यहाँ कहना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास फुल्ली क्वालिफाइड फैकल्टी है. वी हैव ए मिक्स ऑफ सीनियर एक्सपीरियंस्ड पीपल एंड यंग एंड डायनामिक पीपल इन द फैकल्टी हु आर होल हार्टेडली डिवोटेड टू ट्रेन द स्टूडेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल एंगल, सो दे आर रेडी टू गो टू द मार्केट एंड कम्पीट इन द वर्ल्ड. सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा कि आप हमारे शो में आए एंड आपने इतनी सारी बातें बच्चों को बताईं. बहुत ही हेल्पफुल टिप्स दिए आप लोगों ने. सो स्टूडेंट, यदि आपको भी अपना करियर SRM यूनिवर्सिटी के साथ बनाना है, तो स्क्रीन में दिख रहे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं. साथ ही आप स्क्रीन में दिख रही वेबसाइट में जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं. और एक बात और आपको बता दूँ कि जो हमारे साथ VC सर बैठे हैं, सो इंडिया की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें उन्होंने रन कराया है और अभी SRM यूनिवर्सिटी को भी रन करा रहे हैं. और लीगल स्टडीज़ की वो बहुत अच्छे नॉलेज रखते हैं और इसी के लिए आज उन्हें कॉन्सेप्ट ऑफ करियर टीम के द्वारा इंडियन एडुकेटर अवार्ड 2021 दिया जाएगा. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आज हमारे साथ जुड़े और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन SRM यूनिवर्सिटी के बारे में और ओवरऑल लॉ डिपार्टमेंट के बारे में आपने हमारे बच्चों के साथ शेयर की. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने हेल्थ इंश्योरेंस कहीं से भी लिया हो,
लेकिन रिन्यू करने से पहले policybazaar.com पे चेक करके ज्यादा फीचर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कम कीमत में लीजिए और पैसे बचाइए। policybazaar.com